नमस्कार साथियों, आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी टंकण व हिंदी शब्द संसाधन की परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 2, जो कि पत्र का होता है, आपकी परीक्षा में यह पत्र सरकारी हो सकता है, असरकारी हो सकता है, कार्यालय ज्ञापन हो सकता है, कार्यालय आदेश हो सकता है, जो कि परीक्षा में 10 अंक का होता है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि असरकारी पत्र किस तरह से टाइप किया जाता है और मैं आज इसके सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों ही पहलुओं पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। आपकी परीक्षा में इस तरह का एक असरकारी पत्र आएगा जो कि आपको टाइप करना है। पहले मैं इसके सैद्धांतिक पक्ष की ओर आता हूँ। असरकारी पत्र का अभिप्राय है कि वह पत्र जो किसी कार्यालय के एक के मुखिया द्वारा अपने से वरिष्ठ या अपने से कनिष्ठ अधिकारी को किसी कार्य विशेष के लिए बाई नेम जो पत्र लिखा जाता है वो असरकारी पत्र की श्रेणी में आता है। असरकारी पत्र किसी कार्य विशेष के लिए ही किसी दूसरे यानी किसी वरिष्ठ अधिकारी को या कनिष्ठ अधिकारी को लिखा जाता है। इसमें बाई तरफ भेजने वाले का नाम और उसका पदनाम आता है। सेकंड हाफ के सेंटर में कार्यालय संख्या आ जाती है यानी असरकारी पत्र संख्या आ जाती है। कार्यालय का नाम होता है, जैसे यहाँ लिखा है भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, ये कार्यालय यानी मंत्रालय का नाम है, ये सेकंड हाफ के सेंटर में आएगा। कार्यालय का स्थान और दिनांक 7वां तल पर्यावरण भवन केंद्रीय कार्यालय परिसर लोधी रोड नई दिल्ली 110003 और दिनांक 20/4/2009 यानी कार्यालय का स्थान और दिनांक राइट मार्जिन पर आते हैं। संबोधन शब्द जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका नाम प्रिय श्री एबस है, लेफ्ट मार्जिन पे आ गया। फिर पत्र में जो मसौदा लिखा जाता है पैराग्राफ बनाकर जस्टिफाइड मार्जिन पर टाइप किया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता है कि ये बहुत ही छोटे आकार में लिखा जाता है ताकि जिस व्यक्ति को आप पत्र दे रहे हैं वो इसको आसानी से पढ़कर इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई कर सके। संबोधन शब्द शुभकामनाओं सहित पैराग्राफ बना के टाइप होगा। इसके बाद भेजने वाला शुभाकांक्षी कखगा यानी भेजने वाले के प्रोटोकॉल और उसका नाम सेकंड हाफ के सेंटर में आएगा और जिसको फिर आप पत्र भेज रहे हैं उसका नाम, उसका पदनाम, कार्यालय का नाम, स्थान का नाम ये लेफ्ट मार्जिन के ऊपर आएगा। इस तरह से एक अर्धसरकारी पत्र होता है। अब इसको टाइप करना है, मैं अब आपको बताऊंगा कि इसको टाइप किस तरह से किया जाता है। अब इसके व्यवहारिक पहलू की ओर आते हैं। सबसे पहले क्योंकि जहां कहीं भी पत्र के अंदर आपको कोई भी चीज अगर सेकंड हाफ के सेंटर में करनी होती है तो उसके लिए आपको टेबल अवश्य बनानी है और दूसरा विकल्प है कि आप स्टॉक्स काउंट करें फिर सेकंड हाफ के सेंटर में लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर इस टूल्स की सुविधा है तो उस टूल्स का प्रयोग करते हुए इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, इंसर्ट टेबल, यहाँ दो कॉलम और एक रो लेंगे। तो फर्स्ट कॉलम है इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे भेजने वाले का नाम जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में है का ख ग, भेजने वाले का नाम और उसका पद आ गया। राइट कॉलम में सेंटर अलाइनमेंट लेंगे, पत्र संख्या एब्रीवेशन में लिखी गई है तो इसके बाद स्पेस देंगे 19013 चिन्ह के ना तो पहले स्पेस आता है ना ही बाद में आता है 51/2009 हाइफन से भी ना तो पहले स्पेस आता है ना ही बाद में आता है केंद्रीय के ही प्र सन। नेक्स्ट लाइन में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान। अब आपने इस टेबल को सिलेक्ट करना है, माउस से राइट क्लिक देना है, बॉर्डर शेडिंग ओपन करना है। अब जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो आप पेपर बना रहे हैं इसमें लाइन से इन लाइन्स को हटा देना है। ये ब्लू लाइन आपके प्रिंट पे नहीं आएंगी। इसके बाद आपने राइट मार्जिन लेना है, कार्यालय का स्थान सातवां तल, पर्यावरण भवन, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली 11003, दिनांक के बाद कॉलन है, कॉलन से पहले भी स्पेस आएगा, कॉलन के बाद में भी स्पेस आएगा। 20/4/2009 दिनांक के बाद डबल एंटर प्रेस करना है। पत्र में चार जगह डबल एंटर प्रेस किया जाता है, अर्ध सरकारी पत्र में दो जगह डबल एंटर स्पेस दिया जाता है। इसके बाद जस्टिफाइड मार्जिन लेंगे, प्रिय श्री आ ब स, नेक्स्ट लाइन से टैब से पैराग्राफ, यह है अत्यंत हर्ष का शिक्षण संस्थान / हिंदी शिक्षण योजना द्वारा कार्यक्रमानुसार अपने संख्या में नामित करेंगे। इस तरह से आपने मसौदा टाइप करना है, फिर नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ बनाकर संबोधन शब्द शुभकामनाओं सहित फिर आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार भेजने वाले का नाम और प्रोटोकॉल के अनुसार संबोधन शब्द, इसको आपने सेकंड हाफ के सेंटर में करना है। आपके क्वेश्चन पेपर में शुभाकांक्षी और कखा का लिखा हुआ है, ये सेकंड हाफ के सेंटर में आएगा। सेकंड हाफ के सेंटर में इससे पहले में भी बताया है कि आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप मैन्युअली स्टॉक्स काउंट कर सेकंड हाफ के सेंटर में टाइप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप इंसर्ट में जाएंगे, टेबल इंसर्ट टेबल, दो कॉलम लेंगे, एक रो लेंगे और इस तरह से टेबल में आके सेकंड कॉलम के सेंटर में कर आप इसको सेकंड हाफ के सेंटर में करेंगे। अब ये इसलिए क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर ये सुविधा है, ये टूल्स हैं, तो हम कंप्यूटर के अंदर इस टूल्स का प्रयोग करते हुए टेबल बनाएंगे इंसर्ट में जाकर। तो इसके सेकंड हाफ के सेंटर में टाइप करना है शुभाकांक्षी डबल एंटर, फिर ये टेबल सेलेक्ट करेंगे, माउस से राइट क्लिक, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, इन लाइनों को हटा देंगे, ओके करेंगे। अब आप इस टेबल से बाहर जिसको आप पत्र भेज रहे हैं
उसका नाम श्री आ ब स, उसका पद महानिरीक्षक प्रशासन, कार्यालय का नाम सशस्त्र सीमा बल, कार्यालय का स्थान इस तरह से आपने पूरा पत्र टाइप करना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि लाइन स्पेसिंग में अंतर है, कहीं पर सिंगल लाइन लग रहा है, कहीं पर डबल लाइन लग रहा है। तो आपने क्या करना है, पूरे अर्ध सरकारी पत्र को सेलेक्ट करना है, लाइन स्पेसिंग को ठीक करने के लिए आपने पैराग्राफ में जाना है। ये जो आफ्टर स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिफोर या आफ्टर, आफ्टर स्पेसिंग को यदि आप जीरो कर देते हैं, जो आप ये देख रहे अंतर है, ये अंतर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अभी आपका अर्ध सरकारी पत्र हो गया। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि अर्ध सरकारी पत्र का मतलब है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को किसी कार्य विशेष के लिए बाई नेम जो पत्र लिखता है वो अर्ध सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है। अर्ध सरकारी पत्र में कार्यालय का नाम ये सेकंड हाफ के सेंटर में आएगा और कार्यालय का स्थान और दिनांक राइट मार्जिन पर आएगा। दिनांक के बाद आपको डबल एंटर प्रेस करनी है। पत्र का मसौदा जस्टिफाइड मार्जिन पर आएगा और संबोधन शब्द शुभाकांक्षी और काखागा यानी भेजने वाले का नाम ये सेकंड हाफ के सेंटर में आएगा और शुभाकांक्षी और क्या क्या के बीच में जैसे यहां दिया हुआ है डबल एंटर प्रेस होगा। यानी जिसको आप पत्र प्रेषित कर रहे हैं उसका नाम, उसका पदनाम, कार्यालय का नाम, कार्यालय का स्थान ये लेफ्ट मार्जिन पर आएगा। इस तरह से आपने सरकार अर्ध सरकारी पत्र को टाइप करना है।